हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर पीडिया आई एम जितेंद्र त्यागी एंड आई एम अगेन हेयर विद यू टू शेयर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिस इज रिगार्डिंग इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज ओके सो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंडियन कोस्ट गार्ड में पोस्ट निकली हुई हैं क्या क्या पोस्ट है वी कैन से नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट सी जी ठीक है 2023 बैच सो ये जो सी जी पी जी ई पी टी है दो बैच के लिए उसके लिए नोटिफिकेशन है उसमें वैकेंसी आई हैं सो so, जो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं आई विल टॉक अबाउट हूँ आर एलिजिबल उनको अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन ठीक है तो ये मेल के लिए है ओके मेल इंडियन एजुकेशनल एंड एज एज बिलो फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक सो so, तीन मेन वेकेंसी हैं, तीन मेन पोस्ट है मतलब क्या क्या पोस्ट हैं तीन नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक ठीक है इनके लिए आपको अप्लाई करना है इंडियन इन, इन, कोस्ट गार्ड में फोर्स ऑफ द यूनियन ओके नावो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है टेन प्लस टू पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स जिन बच्चों ने ट्वेल्थ क्लास पास किया हुआ है बारहवीं है और जिनका मैथ और फिजिक्स रहे हैं दोनों मैथ एंड फिजिक्स वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं नाविक जनरल ड्यूटी के पोस्ट के लिए दूसरा है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जिन बच्चों ने टेंथ क्लास पास किया हुआ है ठीक है वो बच्चे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए टेंथ क्लास चाहिए और इसके लिए ट्वेल्थ क्लास चाहिए ट्वेल्थ क्लास में मैथ और फिजिक्स चाहिए दोनों ओके okay. और जो यांत्रिक वाली पोस्ट है क्लास पास मिनिमम क्लास पास होना चाहिए एंड साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए ठीक है ना डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन थ्री और फोर इयर्स अप्रूव्ड बाय द ए ओके सो यहां पे टेंथ तो कंपलसरी है साथ में डिप्लोमा होना चाहिए बच्चे के पास ओके okay? तीन साल का या चार साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या फिर जिन बच्चों ने टेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों किया हुआ है ठीक है और उनके पास डिप्लोमा है वो भी अप्लाई करेंगे ठीक है सीधा टेंथ के बाद डिप्लोमा है या टेंथ प्लस ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा है ऐसे सारे बच्चे एलिजिबल हैं इस यांत्रिक की पोस्ट के अप्लाई करने के लिए ओके okay? अब यहां पे उन्होंने दिया हुआ इलेक्ट्रिकल में जो डिप्लोमा है वो किस किस ब्रांच में एलिजिबल है मैकेनिकल का डिप्लोमा और इलेक्ट्रॉनिक्स टेली का डिप्लोमा कौन कौन सी ब्रांचेज हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये सारी ब्रांच आप देख सकते हो अपने अपने ब्रांच के हिसाब से मैचिंग कर सकते हो ठीक है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वेबसाइट से भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की और मिनिमम 18 इयर्स की एज लिमिट और मैक्सिमम 22 साल ठीक है 18 से 22 के बीच के जो एज लिमिट है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं नाविक नाविक जीडी फर्स्ट मे टू थाउजेंड वन टू थर्टी अप्रैल टू थाउजेंड फाइव एक मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में जिनका जन्म हुआ है ऐसे बच्चे इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो डिफरेंट कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा एज लिमिट में पांच साल का एस सी के लिए तीन साल का ओबीसी के लिए एलिजिबल है ओके तो ये आपकी नाउट वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी है ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे इन ईच कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है यह आपको दिख रहा है नाविक जनरल ड्यूटी में अगर हम जनरल की बात करें जनरल कैटेगरी में तो सतासी वैकेंसी है एटी और डोमेस्टिक ब्रांच में आपका सिक्सटीन है मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए फाइव है इलेक्ट्रिकल के लिए थ्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फोर ई में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है लेकिन जनरल ड्यूटी में और डोमेस्टिक ब्रांच में वहां पे वैकेंसी है ठीक है ओबीसी में आप देख सकते हो तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देख सकते हैं यहाँ पे वो नाविक जनरल ड्यूटी ठीक है जिसका क्राइटेरिया है ट्वेल्थ क्लास पास उसमें आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देख सकते हैं ठीक है और ये बढ़ भी सकती हैं, चेंज भी हो सकते हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज है अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा उसके लिए कुछ स्टेजेस हैं, वो स्टेज आपको क्लियर करनी होगी ठीक है और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो फुलफिल करनी होंगी आपको राइट सो स्टेज वन में रिटिन एग्जाम उसके अंदर फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास या फेल होगा ठीक है और बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी आपकी और टेस्ट जो है नाविक जर, रिटिन टेस्ट सेक्शन वन नाविक जीडी के लिए सेक्शन वन एंड टू यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए, लिए सेक्शन वन एंड थ्री ठीक है ना ये सेक्शन वाइज आपको टेस्ट देना होगा ईच सेक्शन है उसमें क्या क्या पेपर्स होंगे जैसे सेक्शन वन है इसमें कितने आएंगे आपके ट्वेंटी 10 साइंस और फिफ्टीन इंग्लिश रीजनिंग के जीके के फाइव और क्लास का सिलेबस रहेगा और पासिंग मार्क्स भी आप देख सकते हो, ठीक है? ये सेक्शन वन के एग्जाम के लिए हो गया इसी तरीके से 25 25 क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस रहेगा सेक्शन थ्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा ठीक है तो यहां पे फिफ्टी डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन फोर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेक्शन फाइव मैकेनिकल तो ये जो सेक्शन दिए हुए हैं इनको मैच कराओगे आप यहां पे इनके साथ में अपनी पोस्ट के हिसाब से जैसे नाविक डीबी में केवल सेक्शन वन का रिटर्न टेस्ट देना है नाविक जीडी जनरल ड्यूटी में वन एंड टू दोनों का टेस्ट देना है ठीक है इसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये मेन डिटेल्स हैं बाकी आप इस पीडीएफ को रीड कर सकते हो वेबसाइट से डाउनलोड करके भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा ये भी पास और फेल दो क्राइटेरिया होंगे यहां पे तो इसमें ये फुलफिल करना होगा 1.6 किलोमीटर की रन टू बी कंप्लीटेड इन सेवन मिनट्स ठीक है तो सात मिनट में 1.6 किलोमीटर रन रनिंग करना है तो ये तो स्टार्ट कर दो आज से ही ठीक है ना अप्लाई बाद में करोगे बट रनिंग तो स्टार्ट कर दो जिसने अभी तक नहीं किया हुआ है ओके फिजिकल फिटनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और दस पुष्प लगाने होंगे ठीक है ना और बीस उठक बैठक तो 10 पुषअप और 20 उठक बैठक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो जो भी बच्चे इसमें अपने आप को एलिजिबल पाते हैं बाकी डिटेल्स आप सारी चेक कर सकते हो इसमें जो मेन डिटेल्स हैं मैंने आपको शेयर कर दिया इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको तो जल्दी से इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए ओके ऑल द बेस्ट